हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको पेपर में 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए, आप इनको पेपर में प्रिपेयर कर जरूर जाएं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को भी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और ऐसे हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, मेरी ओन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, यानी जो मेरी ओन किस राष्ट्र के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। इसी गाइस, फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की। गाइस, आज जैसे आपको पता है, अब की बार 20 नंबर के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप गाइस इनको प्रिपेयर करके जुड़ जाएं। गाइस, मेरी ओन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, किसकी थी गाइस, फ्रांस की। जो मेरी ओन थी वो किसकी थी, वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी जो 1830 की क्रांति के बाद, जो 1830 में क्रांति हुई थी, उसमें 1830 की जो क्रांति में फ्रांस में जो हुआ था, प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी कि जब क्रांति के बाद, जब क्रांति उसके बाद ये होता है, जो दूर से हमारा दल जीत जाता है, तो उसके बाद क्या था, उसका शासन स्थापित होता है। तो क्या था, निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो गाइस कौन सा था, निरंकुश राजतंत्र था, और गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, जो एक्ट ऑफ यूनियन था हमारे किस देश पारित किया गया था, सन 1688 में, 1707 में, 1788 में, ये 1807 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सन 1688 में, जो हमारा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ठीक है गाइस, अब की बार मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे में कोरोना काल किस कौन से देश में पहली बार आया, ये उस तरह भी पूछे जा सकते हैं, जीएसटी के सन भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन पर भी अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेड़ाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी कि जब सेड़ाओं का युद्ध हुआ, जो सेड़ाओ थे उनके युद्ध में किस देश की पराजय, यानी कि सेड़ाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, पर्शिया की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, या नेपल्स की। तो गाइस किसकी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी कौन से युद्ध के बाद, क्रीमिया का युद्ध, सेड़ाओं का युद्ध, प्रेशर डेनमार्क का युद्ध, या सीडान का युद्ध। तो गाइस कौन सा था, जब सीडान का युद्ध हुआ था तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। गाइस क्या हुआ था, सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। गाइस जैसे जैसे हमने ये वीडियो बनाई है और इसमें आपको सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसी प्रकार से मैंने मैथ्स और साइंस और हिंदी सबकी भी एक हमने सीरीज बनाई हुई, इसमें हम आपको हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे, जो आपको पेपर में नंबर अच्छे लाने के लिए हेल्प करेगा। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको हमारे हर सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके अच्छे नंबर बिल्कुल आने वाले, 20 में से 20 आपके पक्के नंबर हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन, जो हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, उन पर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा विद आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ट्रांसपेरेंट संघ, सिसेल्पलाइन संघ, राइन संघ, या इनमें से किसी की नहीं। तो गाइस कौन था, राइन संघ, जो हमारा नेपोलियन था, उसने राइन संघ में जर्मनी में इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जॉर्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की, या जो जॉर्वे राइन था उसकी स्थापना किस राज्य ने की थी, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, या फ्रांस ने। तो ये किसने की थी, पर्शिया ने की थी, किसने की थी, पर्शिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हंगरी की भाषा क्या थी, जो हंगरी था उसकी भाषा क्या थी, इतालवी, मैग्यार, पोलिश, या फ्रेंच। तो वैसे कौन सी थी, उसकी जो भाषा थी वो मैग्यार थी, कौन सी गई, मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, काबुर ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, ये गैरिबाल्डी ने। तो भाई किसने की थी, मेजिनी ने जो है वो यूरोप की, यंग यूरोप की स्थापना की थी, यंग में क्या है, जवान, ये कहते हैं यंग साहब, मेजिनी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई, जो यूनान के स्वतंत्र संग्राम हुआ था, यानी आजादी का संग्राम हुआ, लड़ाई हुई थी, उसमें किसकी पराजय हुई थी, रूस की, तुर्की की, यूनान की, या फ्रांस की। गाइस किसकी हुई थी, तुर्की की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, जब यूनान के स्वतंत्र संग्राम लड़ा गया था, तो उसमें किसकी पराजय हुई थी, तुर्की की पराजय हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने, कैरी बोल्डी पेशे से क्या था, यानी जो पेरी गोल्डी था वो पेशे से क्या था, यानी उसकी क्या था, वो उस समय क्या था, सिपाही था, गृहमंत्री था, जमींदार था, ये नाविक था। तो गाइस क्या था, वो एक नाविक था, ये नाविक था, वो एक क्या था, वे एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबुर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था, जो काउंट काबुर को, जो काउंट काबुर था उसको एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था, क्या पद था वो, सेनापति, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या फ्रांस में राजदूत, क्या था गाइस, उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एवं लोह की नियुक्ति का अवलंबन किसने किया था, गाइस जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो किसने किया था, मेजी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने, गाइस किसने किया था, इसका जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा, वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई, हेम्सर हैब्सबर्ग की, ऑर्लिया, बूबो, ये जो अरुशाही, तो गाइस कौन था, बूबो की स्थापना की गई थी, क्या कहते हैं इसकी स्थापना थी, इसको पुनर्स्थापना यानी कि दोबारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण किसने किया था, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क, किसने किया था, नेपोलियन ने किया था, पर नेपोलियन बोनापार्ट था, क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का, तो ये किस करा, यूनान का, यूरोपियों के लिए जो देश का साहित्य था और ज्ञान प्रज्ञान किसके लिए था, वो हमारे यूनान के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा इस चीज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में सब यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया, तो भाई किसके अंदर आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको हमारे इस चीज खत्म हुई से हमारे 17 क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से मैं आपको SST के, हिंदी के, मैथ के, साइंस के अलग अलग सभी चैप्टरों की क्या करूँगा, आपको चीज बना के दूंगा जिससे आपके 20 में 20 MCQ में नंबर बिल्कुल आ जाए। और अगर आप उनके क्वेश्चन पर भी सीरीज वो चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।